ये समय है मार्बल मेज मस्ती का, वीटेक मार्बल रश प्ले सेट के साथ। इसके साथ हम सरल, मध्यम और चुनौती से भरी चीजें बना सकते हैं, और इसमें बहुत शानदार पीस हैं, जैसे मोटर वाली फेरिस व्हील, मार्बल से चलने वाला स्प्लिटर, स्पाइरल, ब्लास्टर और भी कमाल की चीजें। अब इसे खोलकर प्ले सेट को बनाना शुरू करते हैं। मैं जल्दी से देखना चाहता हूँ कि ये सारे पीस कैसे दिखेंगे। वाह, बहुत सारे रंग। चलो इन्हें बाहर निकाल कर देखते हैं। लगता है ये पीस ट्रैक बनाने के लिए हैं, और ये ट्रैक को सहारा देने के लिए और भी चीजें। अब हमें चाहिए भरोसेमंद निर्देश पुस्तिका जो इसे बनाने में हमारी मदद करेगी। अब निर्देश और इन पीस की मदद से हम इसे तैयार करेंगे, पर पहले इस जगह को साफ करना होगा। अब हम देखेंगे निर्देश पुस्तिका को। हम जो बनाना चाहते हैं यहाँ से शुरू होता है। हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नींव के टुकड़े और 2 नीचे की ओर। ये कितना सरल है। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और अब कोने वाले पीस, 1 बाईं ओर, दूसरा दाईं ओर। और अब थोड़ा सहारा देंगे। हम यहाँ इस नीले से शुरू करेंगे, और ये पीला पीस थोड़ा केले के जैसा लगता है, पर ये बाल्टी है मार्बल को पकड़ने के लिए। एक और नीला सहारा, फिर इसे नारंगी घुमाव के साथ जोड़ेंगे, और फिर बाईं ओर एक और घुमाव, फिर मार्बल को नीचे ले जाने के लिए ढलान बनाएंगे। पीस के ऊपर पीस रखकर इसे ऊंचा करेंगे। यहाँ सीधा नीला पीस, इस लाल ढलान से हम मार्बल को नीचे धकेलेंगे। अब इसे देखो, ये है मार्बल की तोप। बटन दबाते ही तोप से मार्बल निकलेंगे, और ये यहाँ केले के नीचे जाएंगे। अब ट्रैक को जोड़ेंगे, ये हरा यू आकार का पीस। अब लगाएंगे ये डबल नीली बिल्डिंग, और फिर ये साफ पीस। इसके बीच में छेद है और यहाँ से मार्बल निकलेगा। एक और यहाँ, और नारंगी पीस यहाँ, और इसे घुमाव से जोड़ेंगे। हमें 3 ब्लॉक ऊंची बिल्डिंग चाहिए, 2 ब्लॉक ऊंची यहाँ पर। अब रखेंगे नारंगी पीस और एक नीला भी। अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं ये लाल घुमाव, फिर इसे यहाँ छोटे नारंगी के साथ जोड़ देंगे। अब हमें ट्रैक के बाईं ओर काम करना होगा। नारंगी पीस यहाँ पर और नीला यहाँ पर। फिर लगाएंगे मार्बल शूटर, लीवर को दबाते ही ये मार्बल का धमाका करेगा। अब इस नीले पीस की वजह से हम सीधा पीस लगा पाएंगे। फिर लंबा सीधा पीस यहाँ पर, फिर 2 ब्लॉक ऊंचाई वाली 2 बिल्डिंग, और बीच में सीधा पीस। फिर ये पीस जो बास्केटबॉल के नेट जैसा लगता है, ये मार्बल को पकड़ेगा जिसे हम ब्लास्टर से शूट करेंगे। अब हमें मार्बल का इंतजार करना होगा जो टोकरी से शूटर की ओर जाएंगे। एक पीस यहाँ लगाते ही काम हो जाएगा। अब 3 ब्लॉक ऊंची बिल्डिंग का सहारा देकर यहाँ पर घुमावदार ढलान लगाएंगे। ये मार्बल को ऊंची बिल्डिंग से छोटी बिल्डिंग की ओर ले आएगा। अब इसे थोड़ा और ऊपर करना होगा ताकि हम एक और लाल घुमाव लगा सकें। यहाँ कोने में 3 पीस जोड़कर हम एस आकार के पीस को आसानी से लगा सकते हैं। ट्रैक के बहुत सारे लेवल हैं, इसलिए इसे ऊंचा बनाना होगा ताकि हम बहुत सारे घुमावदार और सीधे पीस लगा सकें। नीले पीस में से मार्बल निकल जाएगा और नारंगी पीस उसे एक ही दिशा में लेकर जाएंगे। ओ, हो गया। अब दूसरे लेवल पर हम थोड़े और ट्रैक के पीस लगाएंगे। यहाँ पर एक साफ पीस और नीला पीस, फिर इसे जोड़ेंगे बड़े नारंगी यू टर्न से। फिर ये 2 बिल्डिंग को थोड़ा और ऊंचा करेंगे, और फिर ये 2 ढलान वाले घुमाव लगाएंगे। ट्रैक से आगे बढ़ते ही ये देंगे मार्बल को गति। अब इस बिल्डिंग में एक और नीला ब्लॉक, फिर इस रैंडमाइजर के इस्तेमाल से कुछ मार्बल दाईं ओर जाएंगे और कुछ बाईं ओर। हमें इसके साथ ट्रैक जोड़ना होगा, तो चलो इस बिल्डिंग को थोड़ा ऊपर करो। फिर दोनों ओर जोड़ेंगे 2 ढलान वाले पीस, फिर लगाएंगे एक और नारंगी घुमाव। अब इसे देखो, हमें लगाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ब्लॉक बिल्डिंग पर। हाँ, हम इसी की बात कर रहे हैं। और ये सेट का मेरा मनपसंद पीस, ये भंवर मार्बल को गोल गोल घुमाता रहेगा। हम इसे जोड़ेंगे छोटे नारंगी घुमाव से। अगर हम इस सहारे को ऊंचा करते हैं, हम ट्रैक का एक और लेवल बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए हम बड़ी नारंगी स्लाइड लगाएंगे, और मार्बल नीचे जाने के बजाय ये ऊपर आएगा बाईं ओर ब्लास्टर की वजह से। यहाँ पर एक और स्प्लिटर जो मार्बल को घुमावदार भंवर में ले जाएगा, और ये पीस मार्बल के गिरने पर उसे पकड़ेगा, आधे बाईं ओर भेजेगा और बाकी दाईं तरफ।
और इसका क्या करें, मोटर वाली फेरिस व्हील। मार्बल छेदों में झूलकर फेरिस व्हील के सबसे ऊपर पहुंचेंगे। अब इसमें थोड़े ट्रैक के पीस लगाएंगे, नारंगी घुमाव यहाँ पर और एक यहाँ बाईं ओर। ये नीला घुमावदार पीस मार्बल को घुमाएगा ट्रैक के सबसे ऊपर। इस हरे झंडे वाले पीस को हम नारंगी स्प्लिटर के ऊपर लगाएंगे। और अब मार्बल मेज का आखिरी पीस, ये बाल्टी मार्बल को पकड़ेगी जैसे ही वो अंदर आएंगे। बहुत बढ़िया, अब हम जोड़ेंगे स्टिकर्स को और हमारा मार्बल मेज तैयार हो जाएगा। ये देखिए, है ना ये कमाल का। आपका पता नहीं पर मैं इसे जल्दी चलाना चाहता हूँ। चलो फेरिस व्हील को चालू करो ताकि ये पहले मार्बल के लिए तैयार हो जाए। मुझे लगता है हमें लाल से शुरू करना चाहिए। ठीक है, ये गया। मैं जल्दी देखना चाहता हूँ ये कैसे चल रहा है। लगता है ये दाईं ओर जाना चाहता है फेरिस व्हील में झूले के लिए। इस बार ये बाईं ओर जाना चाहिए क्योंकि वो पीस घूम रहा है सीधा नीचे ट्रैक पर ब्लास्टर के पास। चलो इसे छोड़ो, ये हमने कर दिया। और अब इसे बाईं ओर से छोड़ेंगे। चलो इसे वापस ऊपर भेजो। वाह, ये बहुत मजेदार था। अब दो मार्बल के साथ, ये ठोस पीला और ये आधा हरा आधा सफेद। चलो इसे ट्रैक पर नीचे भेजो और इसे जाते हुए देखो। ओ, पीला सामने से आकर आगे निकल गया। ओ, इसे देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। और आखिर में हरे वाला भी पीछे पीछे आ गया। अरे भाई साहब, तुम कर सकते हो। हो गया, लगता है दोनों मार्बल जल्दी ब्लास्ट करके ऊपर जाना चाहते थे। एक और दो, चलो इसे टोकरी में डालें। ओह, बहुत नजदीक था। चलो फिर से करते हैं और फायर। ये हमने कर लिया। अरे भाई साहब, तुम्हारी बारी, चलो जाओ। अरे वाह, हमने पहली बारी में ही कर दिया। चलो मार्बल पार्टी चलने दो ढेर सारे मार्बल के साथ। और ये वो गए। ये मेरा अब तक का सबसे मनपसंद मार्बल मेज था जिसे हमने खेला। अगर आपको भी पसंद आया तो इसे अभी लाइक करो। फिर मिलेंगे।